वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सुरहा और आज का फिर से एक डिटेल वीडियो। आज एक गड़बड़ हुई एक्चुअली, मेरे से एक चार्ट डिलीट हुआ। मैं कोई स्टॉक चेंज करके देख रहा था तो चार्ट डिलीट हुआ और डाटा अपलोड अपडेट हो गया, तो सिर्फ सेंसेक्स का पी का बचा हुआ है और बैंक एक्स का हमारे पास दोनों बचे हुए हैं। तो सेंसेक्स का पी, तो पहले सेंसेक्स के पी पे बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स का पी मॉर्निंग में जो भी रहा होगा वहाँ पर कोई ट्रेड आया होगा तो गुड, अदरवाइज ट्रेड आने के बाद जो पहला ट्रेड मुझे यहाँ पे वैल्यू कर रहा है तो उस टाइम पे उसका स्टॉप लॉस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा आप देख लीजिएगा। दिन के स्क्रीनशॉट में नहीं पोस्ट कर पाया एग्जैक्टली ट्रेड यहाँ पे हुआ। मैंने तो खैर यहाँ पे ट्रेड किया था और फिर दूसरा ट्रेड यहाँ पे भी हुआ, दो ट्रेड हुआ, तो उसमें 168-248 पे ये एग्जीक्यूट हुआ। चलिए तो ये सेंसेक्स में पुट में एंट्री हुई, एक लेंथी प्रॉफिट है, बड़ा प्रॉफिट है। और एंट्री की बात करें तो एंट्री का क्लोज जो है 148 है और फर्स्ट अटेम्प्ट का हाई 148 से 264 मोर देन 100 पॉइंट। और उसके बाद एक पुल बैक एंट्री, 220 का एक हमारे पास लेवल था, 220 के लेवल के बाद, 220 के लेवल के बाद जो पहला हाई था अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाई ये है 220 से 281, आपका 44 पॉइंट का 20% होता है, ट्रेडिंग एसएल हुआ। दोबारा एंट्री आई, दोबारा से ट्रेडिंग एसएल हुआ, 20% 20% 15% 15% देन 20%। क्लोजिंग वैल्यू देखिए 222 और हाई जो है 266, तो 266 क्लोजिंग यहाँ पे है। और इसमें भी सेम 44 पॉइंट का टारगेट और 44 पॉइंट एग्जैक्टली 44 पॉइंट, तो 15, 12, 13 जो भी कोई वैल्यू है वो मिल गई। अब बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार सपोर्ट काट भी चुका है, दोबारा वापस आके फिर से सपोर्ट काटने की तैयारी कर रहा है। तो बार बार किसी भी चीज़ को चेस ना कीजिए, उसको बार बार मत ट्राई कीजिए। एक बार हाई कट चुका, दो बार हाई कट चुका है, तीसरी बार पुल बैक लेवल को ही क्लोज करके आया है, तो इस अटेम्प्ट में ऑब्वियसली वो कट करेगा। चलिए ट्रेड हुई हो तो भी एक स्टॉप लॉस हुआ, 10% का स्टॉप लॉस, अप्रोक्सीमेट 9-10% का स्टॉप लॉस, 15 15, और ये तो बहुत बड़ा था, इसकी तो कोई काउंटिंग मैं नहीं करता, ये 100% से भी ज़्यादा था। और जब आप पहली बार में आपका 20% पूरा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हुआ वो सीधा सीधा उसने एक लंबा स्ट्राइक मारा। अब एक लंबे स्टॉप के बाद इसमें फिर से एंट्री आई 103 पे, 103 से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 243 100%, मतलब एक कैंडल पे ही 100% से भी ज्यादा है, उसके बाद ये कंटिन्यू यहाँ पे। चलिए ये हुआ सेंसेक्स, बात करते हैं बैंक एक्स की। बैंक एक्स में एग्जैक्टली हुआ क्या वो देख लेते हैं, 3 मिनट कर लेता हूँ, मॉर्निंग बेल पे 3 मिनट। दोनों का प्राइस ऊपर, सीई सी, दोनों ही सी हैं, सॉरी एपी कर लेते हैं, $915-920 प्राइस नीचे और ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहा है। तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको यहाँ पे ये ऊपर था, प्राइस टच भी नहीं किया था उसको, तो ऑब्वियसली SLT2 लेवल के नीचे था और वो SLT2 लेवल के ऊपर था। तो अगर आपका ट्रेड आया हो क्लोज पे 641 का क्लोज और 710, तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो भी स्टॉप लॉस हुआ होगा 600-700 का प्रीमियम। अभी देखिए बैंक निफ्टी और बैंक एक्स, इनके जो प्रीमियम है वो मतलब आसमान छू रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने ट्रेड नहीं किया, तो आप देख लीजिए ट्रेड कैसे हुआ, सिर्फ वो आइडिया समझ लीजिए। ट्रेड आया, यहाँ पे एक एसएल कटा, जो भी उसका एसएल रहा होगा 12% 12.5% का मैं आइडिया देता हूँ, जब आउट ऑफ बाउंड आउट ऑफ रेंज मार्केट होती है। जैसे ही क्लोज नीचे आया, आपकी एंट्री यहाँ पे आपकी एंट्री मिली, वो क्लोज नीचे आया, उसको ऑब्वियसली एक बार नीचे जाना चाहिए था तभी वो ट्रेड होगा। पहली ट्रेड के लिए ये फर्स्ट ट्रेड थी और उसके बाद फिर से इसने यहाँ पे भी क्लोज दिया है, एक बार यहाँ पे भी क्लोज दिया है, तो उस टाइम तो आपकी ट्रेड ही कंटिन्यू चल रही होगी क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ थी, स्टॉप लॉस यहाँ तक नहीं हुआ होगा। देन कंटिन्यू यहाँ से अगर आपका ट्रेड वैल्यू की बात करें 481 और 723 राइट, बीच में वॉल्यूम काफ़ी लेस रहा, उसके बाद ये ट्रेड आपके पास। अभी मैं 5 मिनट कर लेता हूँ,
ट्रेड आप खुद देख लीजिएगा किस में क्या हुआ है, शायद सबको समझ में आ जाएगा। और कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये ट्रेड ऑब्वियसली सभी को दिखाई देगा, ये ट्रेड भी पुल बैक एंट्री है, एवरीबडी कैन डू। ये ट्रेड भी सामने से दिखाई दे रहा है, तो ये क्लोज नहीं आया यहाँ पे, इसका क्लोज नहीं आया, इसका क्लोज नहीं आया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब थोड़ा क्लियर विजन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो ट्रेड 473, 76 का लेवल था, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उस पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी रहा होगा, तो यहाँ पे क्लोज 520 अप्रोक्सीमेट, 2-3 700 रुपये की, 400-500 रुपये की रेंज में, 2-3 रुपये का डिफरेंस कोई मैटर नहीं करता उन चीज़ों में। मार्केट पहले बुलिश, फिर सेकंड बार बुलिश, और यहाँ पे अगर आपका एंट्री होता है तो भी बड़ा मोमेंट है, और यहाँ के एंट्री के बाद भी एक बड़ा मोमेंट है। दोबारा मार्केट का हाई, हाई लगने के बाद दोबारा से पुल बैक एंट्री, दोबारा से SLT 2 को हिट करना और दोबारा से फिर हाई मारना। क्लोजिंग वैल्यू आप चेक कीजिए 622 और 734, 622 734, तो 120 पॉइंट का है अप्रोक्सीमेट, 110 120 पॉइंट आपको मिलेगा। इस अटेम्प्ट में आपको 495 का क्लोज है और 686 का हाई है। ये एक कंटिन्यूस ट्रेड चला, इस ट्रेड को आप देख सकते हैं। ट्रेड जो है हमारे पास 383, 381 का हमारे पास लेवल था। 381 का लेवल देख लेते हैं कहाँ पे था। 381 बेसिकली बाय एंट्री वन, बाय एंट्री टू लेवल था। बाय एंट्री टू लेवल के बाद 383 के क्लोज के बाद मार्केट 800, पहला हाई देख लेते हैं 707, सेकेंड हाई, पुल बैक एंट्री, रिवर्स एंट्री, दोनों के दोनों SLT 2 का एंट्री है ये। SLT 2 के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रही है और मार्केट ऊपर। बात कर लेते हैं स्टॉक की। स्टॉक आज के दिन में ये थे हमारे पास स्टॉक लिस्ट। थोड़ा सा मैं वीडियो को थोड़ी देर कंटिन्यू चलने देता हूँ, आप चाहें तो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। मैं फ्रीक्वेंटली चेंज करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार देख लीजिए फिर इसको देख। तो ये आज के स्टॉक, मैंने स्टॉक लगाए हुए हैं, तो एक बार स्टॉक भी देख लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा, और स्टॉक चोला फाइनेंस, विडाल, गोदरेज, अपोलो हॉस्पिटल, मुथूट फाइनेंस, स्टेबल मूवमेंट थी। सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है, बाकी सभी में प्राइस एक्शन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़े मूवमेंट हैं, बजाज फाइनेंस, PFC, एक स्ट्रेट डाउन, उसके बाद रिट्रेसमेंट, TVS मोटर्स, नेस्ले, रिलायंस, परसिस्टेंट, इंडिया मार्ट, तरंत, मारुति, डिविज लैब, नौकरी और एल्कम। तो ये सारे स्टॉक हैं, आप अपनी स्क्रीन पे अपने कंप्यूटर पे जाके स्टॉक फ्यूचर्स जाके देख लीजिए। जून का सारा कॉन्ट्रैक्ट अपडेट है और कितना बड़ा मूवमेंट हुआ, क्या क्या मिला, वो आप स्टॉक स्कैनर में देख सकते हैं। स्टॉक स्कैनर हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन पे अभी अवेलेबल है, बाकी जो इंडेक्स ऑप्शन की जो है उसके लिए मंथली के लिए प्लीज़ मत आइएगा। वो मंथली पे हमने बंद कर दिया, कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग बात बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगता है, और कंटिन्यूसली कोई ऐसे ही ट्रेड पहले दिन ही बैठ के कोई ट्रेड करके उस लेवल को देख के प्रॉफिट नहीं होता, तो बड़ा रिसर्च करके बड़ा टाइम लगा के कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ट्रेडिंग पार्ट उतना ही है, चीज़ें उतनी ही हैं, और इसके लिए आप देख सकते हैं अगर आना चाहें तो, 1 महीने का ट्रायल, उसके बाद इसका भी फुल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो पहले महीने का ट्रायल मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, वो मिल सकता है, वो उसका एक अमाउंट है, वो भी फ्री नहीं है। सो डोंट आस्क फॉर फ्री ट्रायल, प्लीज़ रिक्वेस्ट एवरीबडी, उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, दिस इज नथिंग सरोहा, गुड नाइट। मंडे को मिलते हैं नई डिटेल वीडियो के साथ। मार्केट रिट्रेसमेंट, सॉरी, इसमें भी आपने शॉर्ट टर्म में भी
अपडेट करेंगे। मार्केट ऊपर गया, मार्केट में एंट्री नहीं मिली और दोबारा से मार्केट नीचे क्रैश हो गया। चलिए इसका परसों बात करेंगे, नया कोई लेवल अपडेट होगा तो। अदरवाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड नाइट फॉर नाउ।